इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जवान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ में है और हम जो आए हैं इस जगह पर मॉब लिंचिंग के बारे में और ऐसी घटना जो तबरेज की हुई है उसी को अंजाम देने के लिए आज जो है हमारे दूसरे भाइयों को भी मार कर जय श्री राम बोलो दबाव देकर उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई चल रही है और बिना डरे वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये वीडियो अभी ग्रुपों पे आए हैं जिसमें हमारे खुदा को और इस्लाम धर्म के बारे में गलत कहा गया है। हम उसका निषेध करने के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी मुसलमान आवाम जो है यहाँ पर आई है विभागीय आयुक्त के पास उनको निवेदन देने के लिए। हमारी ये मांग है कि ये जो भी झगड़ा हो रहा है ये कोई भी गीता पढ़ने वाला हिंदू भाई नहीं कर रहा है, तो ये आरएसएस की चाल है। आरएसएस इस देश की शांतता को भंग करना चाह रही है और देश में अलग तरीके का माहौल बनाना चाह रही है। तो हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि इस आरएसएस को कायदे के दायरे में लो और ये जो वीडियो वायरल करने वाले हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो हम हमारे तरीके से रोड पर उतर कर हमारा जो भी दुख है गम है और जो भाई इस दुनिया में नहीं रहे तबरेज और उस जैसे बहुत सारे जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं हम रोड पर उतर कर इसका सरकार से जवाब मांगेंगे। मैं मिर्ज़ा जावेद बेग राष्ट्रीय समाज पक्ष जिला अध्यक्ष ग्रामीण आघाड़ी।